सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक खूबसूरत जिला है। गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित ये जिला बहुत उपजाऊ है। 5,341 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए और लगभग 7 मिलियन जनसंख्या के साथ ये एक घनी आबादी वाला जिला है और भारत में 9वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। बहरामपुर शहर जिले का मुख्यालय है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिला उत्तर में मालदा जिले, उत्तर पश्चिम में झारखंड के साहिबगंज जिले, पश्चिम में वीरभूम, दक्षिण पश्चिम में वर्धमान और दक्षिण में नादिया जिले की सीमा में और पूर्व में बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब पूरे बंगाल पर इस शहर का शासन हुआ करता था। पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से हारने के कुछ साल बाद बंगाल की राजधानी को नव स्थापित शहर कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, बात अगर प्रशासनिक संरचना की करें तो जिले में 5 उपखंड शामिल हैं, बरहमपुर, डोमकोल, लालबाग, कंडी और जांगीपुर। नगर पालिका क्षेत्र के अलावा प्रत्येक उपखंड में सामुदायिक विकास खंड होते हैं जो बदले में ग्रामीण क्षेत्रों और जनगणना कस्बों में विभाजित होते हैं। कुल 8 नगर पालिकाएं और 22 जनगणना शहर यहाँ मौजूद हैं। बरहामपुर में बरहामपुर नगर पालिका, बेलडांगा नगर पालिका और 5 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। बरहामपुर, बेलडांगा 1, बेलडांगा 2, हरिहरपाड़ा और नौदा। डोमकोल उपखंड में डोमकोल और 3 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं, रानी नगर 1, रानी नगर 2 और जलंगी 1। लालबाग उपखंड में मुर्शिदाबाद नगर पालिका, जियागंज, अजीमगंज नगर पालिका और 5 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं, मुर्शिदाबाद, जियागंज, भगवंगोला 1, भगवंगोला 2, लालगोला और नवाग्राम। कंडी उपखंड में कंडी नगर पालिका और 5 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं, कंडी, खारग्राम, बुरवान, भरतपुर 1 और भरतपुर 2। जंगीपुर उपखंड में जंगीपुर नगर पालिका, धोलियन नगर पालिका और 7 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं, रघुनाथगंज 1, रघुनाथगंज 2, सूती 1, सूती 2, शमशेरगंज, सागर डिगी और फरक्का। इस जिले में 26 पुलिस स्टेशन, 26 विकास खंड, 8 नगर पालिकाएं, 254 ग्राम पंचायतें और 1,937 गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले की जनसंख्या 71,03,807 है। मोटे तौर पर बुल्गारिया के राष्ट्र या अमेरिकी राज्य वाशिंगटन के बराबर है। पुरुषों की जनसंख्या 36,27,564 और महिलाओं की जनसंख्या 34,76,243 है। इसे भारत में कुल 640 में से 9वें स्थान पर रखता है। जिले का जनसंख्या घनत्व 1,334 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 21.07% थी। मुर्शिदाबाद में 957 महिलाओं का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर है और यहाँ का साक्षरता दर 67.53% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 69.95% और महिलाओं की साक्षरता दर 63.09% है। दोस्तों, धर्म के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करें तो इस जिले के अधिकांश लोग लगभग 66.27% मुसलमान हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी मात्र 33.21% है। कुछ सीडी ब्लॉक हैं जहां मुस्लिम आबादी 85% से भी ऊपर है। दोस्तों, जिले की आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा मुख्यतः बंगाली है। इसके अलावा बंगाली से प्रभावित हिंदी, उर्दू भाषा का एक प्रकार खोटा भाषा भी
जिले के उत्तरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में आबादी द्वारा बोली जाती है। संथाली जिले में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। बंगाल के इतिहास में जिला विशेष रूप से मुर्शिदाबाद शहर बहुत महत्वपूर्ण है। यह जगह हर साल अच्छी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। मुर्शिदाबाद जिले में पढ़ाई लिखाई हेतु कई सारे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें मुख्य रूप से आमतला हाई स्कूल, कृष्णनाथ कॉलेज स्कूल, जांगीपुर हाई स्कूल, रघुनाथगंज हाई स्कूल, सरजू बाला विद्यापीठ, सरगाछी रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल, श्रीकांतवती PSS शिक्षा निकेतन, सोनाती कुड़ी हाई स्कूल, पतिकाबाड़ी हाई स्कूल, कृष्णनाथ कॉलेज, बेरहमपुर गर्ल्स कॉलेज, श्रीपत सिंह कॉलेज, बेरहमपुर कॉलेज, रानी धन्य कुमारी कॉलेज, कंडी राज कॉलेज, पंचथुपी हरिपदा गौरीवाला कॉलेज, मुजफ्फर अहमद महाविद्यालय, दुखुलाल निवारण चंद्र कॉलेज, दुमकल कॉलेज, सैयद नूरुल हसन कॉलेज, जांगीपुर कॉलेज, नूर मोहम्मद स्मृति महाविद्यालय, सागर देवी कामदा किंकर स्मृति महाविद्यालय, लाल गोला कॉलेज, जलंगी महाविद्यालय, जतेंद्र राजेंद्र महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बेरहमपुर, मुर्शिदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुर्शिदाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जंगीपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, दमकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिमल चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ, मोहम्मद अब्दुल बारी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिकल साइंस, मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद सेंटर आदि शुमार है। दोस्तों, सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बसें परिवहन का सबसे सामान्य रूप है और वे आसानी से उपलब्ध हैं और जिले के भीतर और बिना गंतव्य की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए चलती हैं। बस परिवहन सस्ता है। बात अगर रेल मार्ग की करें तो यहाँ दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। प्रमुख रेखा उत्तर दक्षिण में चलती है और जिले को कोलकाता और उत्तर बंगाल से जोड़ती है। एक और लाइन है जो अजीमगंज में इस लाइन से निकलती है और नलहाटी में साहिबगंज लूप को जोड़ती है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कुछ रेशम फार्म और कुछ बुनाई मशीनें हैं, लेकिन वे आधुनिक उद्योगों के मुकाबले तेजी से हार रहे हैं। मुर्शिदाबाद यहाँ उत्पादित गुणवत्ता वाले रेशम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ बीड़ी उद्योग भी है। भारत की कई बड़ी बीड़ी कंपनियां इसी जिले से हैं। व्यापार मुख्य रूप से आसनसोल, वर्धमान और कोलकाता के साथ किया जाता है। धुलियन और राजशाही के बीच एक आंतरिक जल परिवहन लिंक खोलने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन यह अभी तक अमल में नहीं आई है। चावल, जूट, फलियां, तिलहन, गेहूं, जौ और आम पूर्व में प्रमुख फसलें हैं। पश्चिम में व्यापक शहतूत की खेती की जाती है। ये जिला उत्पादित आम की गुणवत्ता और विविधता के लिए जाना जाता है। हालांकि मालदा के निकटवर्ती जिले के विपरीत आम मुर्शिदाबाद जिले का एक प्रमुख उत्पाद नहीं है। बात अगर पर्व और त्योहारों की करें तो दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। अन्य पूजा जैसे दिवाली, काली पूजा और सरस्वती पूजा भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मुर्शिदाबाद से बिलोंग करने वाले कुछ प्रमुख लोगों में सिंगर अरिजीत सिंह, सिंगर श्रेया घोषाल, साहित्यकार शरद चंद्र पंडित, दादा ठाकुर आदि सम्मिलित हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में मरीजों के इलाज हेतु लाल बाग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फॉर्च्यून मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेनबो नर्सिंग होम, मॉडर्न नर्सिंग होम, गीता राम हॉस्पिटल, बहरामपुर मेडिकल हॉस्पिटल, BSF हॉस्पिटल, इडेन नर्सिंग होम आदि शामिल हैं। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले का अपराध दर 175.93 है। तो दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं।
हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।